जनाब, एक बारिश होती है और जम्मू स्मार्ट सिटी की रियलिटी कहीं ना कहीं सामने निकल कर के आती है कि जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर ब्रिजेस भी स्मार्ट बन रहे हैं, रोड्स भी स्मार्ट बन रहे हैं और उसके साथ अगर बात करें लेन एंड ड्रेन जो है वो भी स्मार्ट बन रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आपको बख्शी नगर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें, यहाँ पर हल्की सी बारिश हुई है और इसके बाद आप रोड देखिए, एक स्विमिंग पूल में जो है वो तब्दील हो चुका है और किस तरीके से लोग यहाँ पर, आप देखिए, यहाँ से जो है वो गुजर रहे हैं। तस्वीरें आपको साफ यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और लगातार देखिए, बड़े बड़े वायदे यहाँ पर किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम, खास जम्मू की मैं बात करूँ तो जम्मू को हमने स्मार्ट सिटी जो है वो बना दिया है। जम्मू के रोड स्मार्ट हो चुके हैं, हालांकि लोग तो अभी इतने स्मार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन रोड जो हैं वो बिल्कुल जो है वो स्मार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए, कितने रोड जो हैं जम्मू के अंदर स्मार्ट हैं वो आप बखूबी जानते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम फ़िलहाल इस वक्त देख रही है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि जम्मू के अंदर जो रोड्स हैं, जहाँ आपके आसपास के जो रोड्स हैं, जहाँ ड्रेन्स की मैं बात करूँ खास, तो वो कितने स्मार्ट हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिएगा। फ़िलहाल अभी की मैं बात करूँ तो इस वक्त की तस्वीरें ये आपको मैं बख्शीनगर रेशमगढ़ के पास की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर फ़िलहाल रोड जो है एक स्विमिंग पूल में जो है वो तब्दील हो चुका है। आप देखिए, कितना पानी जो है फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो इकट्ठा है। हल्की सी बारिश हुई है और इसी के चलते आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, तमाम जो टू व्हीलर्स हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है इस रोड को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को जो है इस गंदे पानी से जो है वो बचा करके जो है वो निकला जाए। हालांकि देखिए, आप किस तरीके से सोचते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिएगा कि जम्मू जो है आखिर कितना स्मार्ट हो चुका है, क्षमा करिएगा, और जम्मू कितना स्मार्ट हो चुका है और जम्मू के खास जो रोड्स की मैं बात करूँ, लेन एंड ड्रेन की हम बात करें, वो कितनी स्मार्ट है वो आप खूबी जानते हैं। तो ज़रूर आप अपने एरिया का हाल जो है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिएगा। लेकिन अभी का ये जो हाल है ये आपको मैं रेशमगढ़ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रेशमगढ़ बख्शीनगर से। तो आप देखिए किस तरीके की यहाँ पर जो सिचुएशन जो है फ़िलहाल बनी हुई है। और ये एक तरफ जनाब आपको लेन एंड ट्रेन का भी दिखाते हैं, फ़िलहाल पूरी जो है वो भर चुकी है। हालांकि यहाँ पर एक पास नाला भी है, लेकिन प्रॉपर इसको मेंटेन जो है वो नहीं किया गया। अगर प्रॉपरली इसको यहाँ पर लेन एंड ड्रेन का काम किया जाए तो बिल्कुल जो रोड है वहाँ पर जो है पानी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इकट्ठा नहीं होगा और लोगों को जो है कोई भी किसी प्रकार के जो है यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल आप देखें किस कदर जो है यहाँ पर जो है पूरा स्विमिंग पूल जो है फ़िलहाल बना हुआ है और पूरा आप देखिए पूरे रोड के ऊपर जो है ये पानी इकट्ठा है और पीछे से लेके यहाँ तक, अभी जो मैं खड़ा हूँ यहाँ तक, पूरा जो रोड है फ़िलहाल पानी से भरा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे टू व्हीलर जो है वो जा रही हैं, फोर व्हीलर्स यहाँ से निकल रहे हैं और कितना यहाँ पर लोगों को जो है परेशानी का सामना फ़िलहाल जो है वो करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें हमारे तमाम गवर्नमेंट ऑफिशल्स की, बात करें जहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, जहाँ अन्य हम लीडर्स की बात करें, तो उनकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि स्मार्ट जम्मू को जो है वो स्मार्ट बनाया जा रहा है, रोड्स को स्मार्ट बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर जो हैं वो स्मार्ट बन रहे हैं, जम्मू के जो रोड्स हैं वो स्मार्ट बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स की बात करें तो वो भी स्मार्ट बन रहे हैं। तो फिलहाल जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव सेशन में देख रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा आप बताइएगा कि जम्मू जो स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है, कितना जम्मू के अंदर जो है स्मार्ट वर्क हो चुका है। जम्मू के लोग तो हालांकि स्मार्ट है ही, लेकिन जम्मू का जो रोड्स हैं, जो लेन एंड ड्रेन हैं, वो कितने स्मार्ट हैं, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताने की कोशिश करिएगा। और फिलहाल इस एरिया की मैं बात करूँ तो ये रेशमगढ़ बख्शीनगर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेशमगढ़ बख्शीनगर का जो है ये एरिया जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और
ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग, यहाँ पर आप देखिए जैसे कैसे यहाँ से जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं, किस तरीके से इस रोड को जो है क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल बहुत कहीं ना कहीं बहुत एक अलग जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आखिर जम्मू स्मार्ट सिटी है कहाँ, जिस स्मार्ट सिटी के वायदे किए जा रहे हैं, जिस स्मार्ट सिटी के बारे में बताया जा रहा है, वो जम्मू स्मार्ट सिटी कहाँ है और फिलहाल उसकी रियलिटी क्या है, वही हम आपको यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आप देखिए इसी के चलते पूरा रोड भी जो है वो जाम हो चुका है। आप देखिए यहाँ से पूरा ट्रैफिक जो है फिलहाल जाम हो चुका है और गाड़ियाँ देखिए आप किस कदर यहाँ से गुजर रही हैं। अगर कहीं आसपास कोई व्यक्ति हो तो उसको भी किस तरीके से यहाँ पर जो है वो परेशानी हो सकती है। और उसी को आप देखिए यहाँ पर और भी कई सारे ऑफिशियल जो है यहाँ से गुजरते होंगे, कई सारे बड़े अधिकारियों की मैं बात करूँ तो यहीं से इसी रोड से गुजरते हैं और स्विमिंग पूल के दर्शन ज़रूर वो करते हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। लेकिन किसी ऑफिशियल के मन में मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ आता होगा कि इसका कहीं ना कहीं से कुछ काम होना चाहिए। तो सर्च न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से ये हमारी रिक्वेस्ट है माननीय मेयर साहब को, राजेंद्र शर्मा जी को, और यहाँ के जो ऑनरेबल काउंसलर हैं, कंसर्न जो काउंसलर हैं, ज़रूर आप इसका संज्ञान लें। और यहाँ पर आप देखिए जो ये स्विमिंग पूल फिलहाल बना हुआ है इसका कोई ना कोई समाधान निकालें। आप देखिए यहाँ पर कैसे जो है कितनी मुश्किल से लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और कैसे इसको जो है यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति की टू व्हीलर या फोर व्हीलर अगर कहीं ना कहीं स्लिप होती है, वो गिरता है, उसकी जब किसी भी प्रकार का उनको इंजरी आती है, किसी को चोट लगती है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर टू व्हीलर जो चालक हैं जैसे यहाँ से निकल रहे हैं और पूरा रोड जहाँ पे जो है वो जाम हो रखा है, तो किस तरीके से जो है यहाँ पर जम्मू स्मार्ट सिटी के वायदे जो है वो किए जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं चाहूँगा ज़रूर आप बताइएगा कि जम्मू जो है कितना स्मार्ट है, जम्मू के रोड कितने स्मार्ट हैं और जम्मू के अंदर जो लेन एंड ड्रेन का काम हुआ है वो कितना स्मार्टली हुआ है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेगा। फिलहाल ये स्पेशल रिपोर्ट सच न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर, अभी के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ, नमस्कार।